हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी ट्रायंगल का हम टाइप फाइंड कर सकते हैं अगर उसके साइड्स की होंगे। तो आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल ऐसा हो जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर इक्वल हो तो इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ये डायग्राम, इसके तीनों साइड्स इक्वल है, मान लेते हैं कि तीनों साइड्स ए हैं, इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और अगर इस ट्रायंगल के दो ही साइड इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो, मान लेते हैं कि दो साइड्स ए और ए इक्वल हैं और ये अनइक्वल साइड है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर हमारे तीनों साइड्स अनइक्वल हो, जैसे से ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। तो हमें पता करना है कि अगर ए बी सी तीन साइड्स गिवन है तो ये ट्रायंगल किस टाइप का होगा, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। तो अगर हमें साइड्स गिवन हो तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल फॉर्म कब होगा। ट्रायंगल तब फॉर्म होगा जबकि किसी भी दो साइड का जो सम है दैट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फाइन, एक एग्जांपल लेके पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या हमें ये चेक करने की जरूरत भी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि सिक्स 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 साइज है तीनों साइड की, तो अगर हम सिक्स प्लस सिक्स करेंगे तो ये 12 होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन सिक्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है। आइसोसेलेस के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये सिक्स है और ये सिक्स है और जो थर्ड साइड है लेट्स से वो फाइव है। अगर हम ऐसे चेक करें कि सिक्स प्लस सिक्स 12 हो गया एंड दैट इज ग्रेटर देन फाइव, तो किसी भी कंडीशन के लिए ये भी होल्ड करेगा कि जैसे, या एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो पहला साइड है वो हमारा वन है और जो दूसरा साइड है वो टू है और जो तीसरा साइड है वो वन है। तो इस केस में अगर आप इन दोनों का सम कर लें, वन प्लस टू, सो दैट विल बी ग्रेटर देन, सो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। स्केलिन के केस इसका मतलब क्या है कि आइसोसेलेस में मुझे इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। स्केलिन अगर हो तो हम क्या करते हैं, जैट से ट्रायंगल के जो साइड है वो वन टू थ्री है, तो देखते हैं कि इससे क्या ट्रायंगल बन पाएगा क्या। अगर वन प्लस थ्री करें सो दैट विल बी ग्रेटर देन टू, 4 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल बन गया। तो किसी भी केस में अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल हमारा बनेगा, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। हमें केवल एक कंडीशन चेक करने की जरूरत है कि क्या ये, क्या इसके तीनों साइड इक्वल हैं या दो साइड इक्वल हैं या कोई साइड इक्वल नहीं है। तो हम कंडीशन कैसे स्टार्ट करें चेक करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। हम एक काम कर सकते हैं कि अगर ए इक्वल्स टू बी हो और बी इज इक्वल्स टू सी हो तो निश्चित रूप से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसमें कि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल, इसका मतलब कि ए और सी के इक्वल हो गया, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहली कंडीशन तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। फिर तो दूसरी कंडीशन हमें क्या है, ये अगर इफ है तो इसका एल्स हमें ये चेक करना चाहिए। एल्स का मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, तो हम चेक करते हैं क्या इसका क्या दो साइड्स इक्वल हैं। तो दो साइड्स की इक्वलिटी कैसे चेक होगी, हो सकता है कि ए बी की इक्वल हो जाए या फिर बी सी के इक्वल हो जाए या सी ए के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा केस होगा तो हम कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर एक भी साइड इक्वल, माने अगर सारी साइड्स इक्वल हैं या सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं और दो साइड्स भी इक्वल नहीं है, तो निश्चित रूप से तीनों साइड्स अनइक्वल होंगे, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये हमारा स्केलिन ट्रायंगल है। तो आइए इसको हम कोट करते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। यूजर्स तीनों साइड इनपुट करा देते हैं, लेट्स से जो तीनों साइड है वो एक्स वाई जेड है। इसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले इक्विलैटरल के लिए क्या एक्स इज इक्वल टू वाई है एंड वाई इज इक्वल टू जेड है।
अगर एक्स वाई के इक्वल है और वाई जेड के इक्वल है तो निश्चित रूप से जेड भी एक्स के इक्वल होगा। इस केस में हम प्रिंट कर देते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करते हैं कि क्या दो साइड्स इक्वल हैं। कैसे हम चेक करेंगे कि अगर एक्स इक्वल्स टू वाई हो या वाई इज इक्वल्स टू जेड हो या जेड इज इक्वल्स टू अगर एक्स हो तो जो ट्रायंगल हमारा होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। कॉपी पेस्ट कमांड को हम इसमें यूटिलाइज करते हैं, ट्रायंगल हमारा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो स्केलिंग होगा। फाइन, तो ये हमारा छोटा सा कोड बना, इसको रन करके देखते हैं। इन साइड से इनपुट कराते हैं, लेट से हमारे सबसे पहले हम इक्विलेटरल को टेस्ट कर लेते हैं। यस, देखिए ये प्रिंट कर रहा है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। दूसरा टेस्ट कैसे रन करके देखते हैं। लेट से हमने कहा 10 10 एंड 15, आइसोसेलेस ट्रायंगल बिल्कुल सही आ रहा है। इसी टाइप का चेक करते हैं 5 5 5 6 एंड 7, सो ये स्केलिंग ट्रायंगल हो गया। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये जो कोड है वो किसी भी टाइप के ट्रायंगल को चेक कर लेगा बेस्ड ऑन द गिवन लेंथ ऑफ द साइड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।